अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बनाएंगे हेल्दी गोभी मंचूरियन। गोभी को काट के टुकड़े में हमने उबाल के इसको नमक डालकर उबाल के रख लिया है। 50 ग्राम हमने कॉर्नफ्लावर पाउडर लिया है, एक टेबल भर के स्पून हमने लाल मिर्चों का पाउडर लिया है, एक टेबल स्पून नमक, आधा टेबल स्पून ज़ीरा, हमने थोड़ा केसरी का रंग पानी में पेस्ट बना के लिया है। अब हम इसको पूरे मसालों को मिक्स करेंगे। अब इन सब सारे मसालों को हम एक बॉइल में डालेंगे। फिर केसरी का रंग भी इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डालकर हम इसमें डालेंगे और साथ में जाएगा ज़ीरा, मिर्ची और नमक। ये सारे मिश्रण को हमने बड़े बॉल में डाल लिया है और हम इसको पानी डालकर मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको ताकि ये पूरे अच्छे से मिक्स हो जाए। सब सारे मिश्रण को अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। ये उबली हुई गोभी इसमें डाल देंगे, इसको सब अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करके हम पूरे अच्छे से इसको अंदर तक जाए, थोड़ा एक दो मिनट हम इसको मस लेंगे, उबली हुई गोभी में अंदर तक ये मसाला जा सके। हमने गूंद अच्छे से मिक्स कर लिया है एक से दो मिनट तक। अब हमारा इधर तेल गरम हो गया है, अब हम इसको इसमें तेल में गोभी एक एक करके डालेंगे। ध्यान रहे एक साथ में ना डालें क्योंकि गोभी चिपक जाती है। अलग अलग डालने से गोभी अच्छे से फ्राई होगी, साथ में डालेंगे तो एक दूसरे को लग जाएगी। एक एक करके हम इसमें तेल में डालते जाएंगे जब तक ये लाल ना हो जाए। आप मिर्ची नमक कम ज़्यादा हो तो आप डाल सकते हैं, घर की बनाई हुई गोभी बहुत हेल्दी रहेगी, इजी रेसिपी है और खाने में भी बहुत टेस्टी रहेगी। जब तक ये जो बबुल आ रहे हैं इसको थोड़ा कम होने दें, बाद में हम इसको पलटी करेंगे ताकि एक तरफ से ही अच्छे से लाल हो जाए। अब हमारी गोभी लाल हो गई है एक साइड, दूसरी साइड अब हम पलटी करेंगे। हमारी गोभी पूरी बिल्कुल से फ्राई हो गई है, इसको तलने में 2 से 3 मिनट लगे हैं। अब हम इसको एक साइड में प्लेट में काट के रखेंगे। सारी गोभी को हमने डीप फ्राई करके लिया है। गोभी की सॉस की तैयारी के लिए हमने एक इंच का बारीक अदरक काट के लिए है, 3 से 4 हमने लहसुन की पोती छिलके लिया है, 1 टेबल स्पून विनेगर, आधा कप हमने सोया सॉस लिया है, 1 कप हमने टमाटर केचप लिया है, थोड़े से हरा धनिया, अजनी मुट्टो, करे पाक, 2 से 3 हरी मिर्च। हमने कढ़ाई में 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लिया है, ऑयल गर्म हो चुका है। सबसे पहले हम अदरक और लहसुन इसमें फ्राई करेंगे। कड़ी पत्ता, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 2 से 3 हरी मिर्च ली है हमने। थोड़ा इसको हम फ्राई होने देंगे, थोड़ा हल्का सा फ्राई होने देंगे, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसकी
खुशबू आने लगे। मेरा थोड़ा सा गोल्डन हो गया है अदरक और लहसुन। अब इसमें हम सोया सॉस डालेंगे, थोड़ी देर हम इसको हिलाएंगे और हम इसमें विनेगर भी डाल देंगे और अजनी मुट्ठा हमने वाला टेबल स्पून लिया था वो भी इसमें डाल देंगे। जो केचप हमने लिया था 1 कप ये भी इसमें हम डाल देंगे। केचप भी इसमें हमने डाल लिया है, 1/2 टेबल स्पून नमक भी इसमें हम डाल देंगे और सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया ये भी इसमें हम इसमें डाल देंगे। इसको अच्छे से 2 से 3 चम्मच हलाने के बाद हम इसमें अपनी गोभी तली हुई हम इसमें डाल देंगे। इन सब चीज़ों को अच्छा मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट हमने फूल आँच पे अच्छे से इसको पका लिया है क्योंकि फूल आँच पे ही बनना चाहिए। अब इसको हम डिश आउट करेंगे। डिश आउट कर लिया है। गार्निशिंग के लिए हम थोड़े से बारीक कटी हुई प्याज और थोड़ी सी कोथिंबीर हमारी गोभी मंचूरियन बनकर तैयार हो गई है। अगली रेसिपी तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।